सुप्रभात, मेरा नाम है अभिषेक राज, मैं कक्षा 7वां का छात्र हूँ। मैं येलो चैलेंज का कैप्टन हूँ। येलो चैलेंज आज आपके सामने एक प्रकट करना चाहता है। अगर आज हमें अगर आज हमें आगे बढ़ना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो उस काम को करने के लिए आपके अंदर वो जुनून है, वो आग है। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। अब हमारे ही ग्रुप के कुछ बच्चे एक के माध्यम से यूनिटी स्किल का मैसेज आप तक पहुंचाएंगे। अब हम सभी को एक एक बैलून देंगे। अब हम सभी को कील देंगे। यदि आपको ये कील और बैलून देखकर दिमाग में कुछ आ रहा है, वो नहीं करना है। अब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लें और जिसका बैलून लास्ट तक बचेगा वो विनर होगा। सभी एक दूसरे का बैलून फोड़ते हुए। यह आप सब क्या कर रहे हैं? मैंने ये कभी नहीं कहा था कि एक दूसरे का बैलून फोड़ना है। अगर आप एक दूसरे का बैलून नहीं फोड़ते तो आप जीत सकते थे। यही होता है स्कूल्स में, कॉलेज में और पॉलिटिकल पार्टीज में। एक दूसरे को हराने के चक्कर में हम खुद ही हार जाते हैं। तो आज इस एक्ट के माध्यम से हम यही सिखाना चाहते हैं कि खुद को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस पर ध्यान दे, इस गलती को सुधारे, तो वह दिन दूर नहीं कि जब विकास के प्रत्येक सिड़क का भारत का बच्चा दिखाई न दे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। यह समय एक्ट का है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, इनके बोर्ड, ये अंधे हैं और इनके बोर्ड पे लिखा है मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए। पर इनकी मदद किसी ने नहीं की। पर जैसे ही इनका बोर्ड बदला गया, आज इस पे लिखा है वाह आज कितना सुंदर दिन है, पर मैं इसे देख नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को करना है तो इरादे मत बदलिए, उसके तरीके बदलिए। धन्यवाद। He is Rabindranath Tagore. Let's start the act. एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बच्चा दिखा। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर मैं गरीब हूँ। तुम मत रो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सच सच में आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ, चलो मेरे साथ। सारे विद्यार्थी कक्षा में बैठे हुए। सुप्रभात गुरुजी। सुप्रभात बच्चों, आज आपके गुरुकुल में एक नया विद्यार्थी आया है, इससे आप सब मित्र बनाएंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है गुरुजी। ठीक है बच्चों, तो आप सब पढ़ाई शुरू करें। सभी बच्चे पढ़ रहे थे, तभी एक बच्चे को पढ़ने नहीं आ रहा होता है, तब सभी बच्चे हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। देखो इसको, इसको तो कुछ भी पढ़ने नहीं आ रहा। साथ रहो सब। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इसे पढ़ने आते तो इसकी मदद करो, इसकी मजाक मत उड़ाओ। बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी को मजाक मत उड़ाना। ये इसकी मजबूरी है कि वह नहीं पढ़ पा रहा है। अगर वह पहले से पढ़ रहा था तो आज उसके यह दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वह गरीब था इसलिए वह नहीं पढ़ पा रहा था। आज से अब पढ़ेगा और कुछ अच्छा करके दिखाएगा, कुछ अच्छा करके दिखाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाइए,
किसी की मजबूरी का फायदा न उठाइए, वरना खुद मजबूर होने में वक्त नहीं लगेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।